सो गाइज मिलते हैं आपको घर जाके, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, गिरेंगे तो सीधे जाएंगे गधेरे में। ये देखिए दोस्तों, इतने बड़ी कढ़ाई में पिनालू पकाने डाले थे सुबह सासू जी ने, पक चुके हैं। दोस्तों मैंने बना दी है अम्मा के लिए चाय, अब अम्मा पियेंगे चाय। वह फैशन आया बड़ा ही। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतने बड़े कढ़ाई में सासू जी ने पिनालू पकाने डाल दिए हैं, दिन में तक पक जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं घास काटने, ब्रेकफास्ट करके फिर हम खाएंगे दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट के लिए अंडा भुजिया, रोटी तो बना दी है मैंने, अभी थोड़ी देर में करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइज फाइनली हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है, जो भी सुबह का काम होता है सारा हो चुका है, और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। सासू जी चले गए हैं घास काटने के लिए, मैं भी चलती हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा सा काम था उसको करके मैं भी चलती हूँ घास काटने अभी थोड़ी देर में, काम को ख़त्म करके। चलिए फिर दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, नए दिन से नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़े गीतू ब्लॉग्स पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से। फाइनली गाइज हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है, अब मेरी घास जाने की तैयारी हो रही है। चलिए फिर दोस्तों घास जाने से पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम, फिर चलती हूँ मैं घास काटने। सासू जी चले गए हैं घास काटने, चलिए फिर एक बार आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम। तो गाइज मैंने कर लिया है काम, अब चलती हूँ घास काटने। सो गाइज फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे हमको काटने हैं घास। चलिए फिर दोस्तों मैं भी काटती हूँ घास, सासू जी काट रहे हैं ऊपर, चलिए फिर घास काटना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऊपर काट रहे हैं सासू जी। तो दोस्तों घास बहुत ही ज़्यादा पतला हो रखा है, बड़ी मुश्किल से 6 पुए काट रखे हैं, 1 पू सासू जी ने दिया तभी 7 पुए हो चुके हैं, फिलहाल घास भी हो ही चुका है। चलिए फिर दोस्तों घास को बांटते हैं फिर चलते हैं घर को। फाइनली हमने 14 पुए काट रखे हैं सासू जी और मैंने, तो हम साथ साथ ले जा रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों बांटते हैं घास को फिर चलते हैं घर को, अभी इतनी चढ़ाई जानी है ऊपर। फाइनली गाइज हम जाने लग गए घर को, तो रास्ता बहुत ही ख़राब है, वीडियो घर जाके ही बनाऊंगी, मिलते हैं आपको घर जाके, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है, गिरेंगे तो सीधे जाएंगे गधेरे में। तो चलिए फिर चलते हैं घर को। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा ठीक वाले रास्ते में पहुँच गए हैं, अब तो घर भी पहुँचने वाले हैं, चढ़ाई काट के अच्छे वाले रास्ते में पहुंच गए हैं अभी हम। चलिए फिर चलते हैं, अब तो घर भी आ ही चुका है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर, घर पहुंच के भैंसों को पानी दे रही हूँ मैं, घास भी डाल दिया है सासू जी ने इनको। ले 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 पी ले, इसको भी पता नहीं क्या हो रही है, पीऊँ ना पीऊँ, पी ना पी जैसी। फिर से गाइज मेरे मुंह में आ गया है छाला, आपको लग ही रहा होगा मेरा होठ मोटा मोटा, इतना मोटा थोड़ी है यार मेरा होठ, कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है आजकल छाला आके। ये देखिए इतना बड़ा छाला आ रखे है, पता नहीं कैसे आते हैं, थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं फिर आने लग जा रहे हैं।
चलिए फिर गाइज, अब मैं चलती हूँ नीचे गेहूँ निकालने। फिर मैंने डालने हैं गेहूँ को धूप में, शाम को चक्की में पीसेंगे क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रखे है। चलिए फिर निकाल के लेके आती हूँ मैं गेहूँ। दोस्तों मैं निकाल के लेके आ गई हूँ गेहूँ, बट कभी धूप आ रही कभी जा रही है। जैसे मैं गेहूँ निकाल के लेके आई वैसे ही कभी धूप आ रही कभी बादल लग रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे ही डाल देती हूँ जो भी होगा। आएगी तो सूख जाएंगी, नहीं आएगी तो देखेंगे क्या करना है। चलिए फिर उनको डालते हैं धूप में। तो मैं निकाल के लेके आई हूँ एक टब में गेहूँ। चलिए फिर उनको डालते हैं इसमें धूप में सुखाने के लिए। मैंने डाल दिए हैं गेहूं धूप में। धूप तो क्या ही आ रखी है, कभी धूप आ रही कभी बादल लग रहा है, जैसा भी यह डाल दिया है। चलिए फिर गाइज, अब चलते हैं किचन में, दिन के लंच बनाने की तैयारी भी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने बड़ी कढ़ाई में पिनालू पकाने डाले थे सुबह सासू जी ने, पक चुके हैं। ये देखिए, इनको हम खाएंगे दिन में हरा नमक के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फिलहाल अभी तो मैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों हम खाएंगे इनको दिन में हरा नमक के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल। इसको सुबह भिगाने डाला था, भीग चुका है, भीगा है नहीं भीगा है। अब इसको कुकर में डाल देते हैं उबालने के लिए। अब इसको डाल देते हैं कुकर में, थोड़ा सा एक दो सीटी मार देते हैं। गैस पे चढ़ा दी है दाल खाली बॉयल करने के लिए, उसके बाद फ्राई करेंगे आग में। तो दोस्तों अब मैं करने लग गई हूँ आग वाले चूल्हे में दाल को फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है और जीरा का तड़का भी लगा दिया है। अब इसमें डालते हैं प्याज टमाटर, फिर करते हैं दाल को फ्राई। फिर उसके बाद मैं रखूँगी गैस में भात। तो मैंने डाल दिया है दाल। चलिए फिर दोस्तों इसको पकने देते हैं और गैस में भात चढ़ा देती हूँ मैं। तो गैस में रख दिया है भात। दोस्तों मैंने बना दी है अम्मा के लिए चाय, अब अम्मा पियेंगे चाय भी। अम्मा बड़ बॉन दिखेना, अरे बे आज बहुत दिन बाद दिखेना ब्लॉग में। तेम के खाओ दे क्यों हो के खाओ ही नहीं है। अम्मा चाह का है रहा अब हम खा रहे हैं पिनालू। ये देखिए, आपको भी खाने हैं तो आप भी आइए। इसमें है हरा नमक, देखिए हमने पीस के रखा है हरा नमक। अब खाते हैं इसके साथ पिनालू। शान शान भाई, वह फैशन आया बड़ा ही वो है। वाह बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। खा रहे हैं, सासू जी भी नहीं खा रहे, थोड़े थोड़े खाए उन्होंने, अब नहीं खा रहे हैं।
अकेले लगे पड़ी हूँ। खानी हो अम्मा बुढ़वा ही हो नहाना है ठंडू नहीं हो तू जान है बंती खा खाने होने भी बार बार खा गया बिना जोरदार फोन खा घुंगी बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं नमक के साथ बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली हमारा लंच भी बन चुका है। चलिए फिर अब चलते हैं, एक बार कर लेते हैं पेट पूजा। ससुर जी भी आ चुके हैं, फिर मिलते हैं आपको अभी खाना खा के। तो हो चुका है हमारा लंच, लंच करके मैं अपने कमरे में आ गई हूँ दोस्तों। तो अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर मिलते हैं आपको शाम के टाइम पे। सो गाइज, फाइनली उठने के बाद मैंने बना दी है चाय, थोड़ा सा रेस्ट करा, अब उठ चुकी हूँ मैं। अब बना दी है मैंने चाय सासू जी लोगों के लिए। चलिए फिर मैं देती हूँ इनको चाय। मैं वाला रहा रही बुढ़ी चाय पीड़ा तो दोस्तों अब हम जाने लग गए घास काटने के लिए। ताई जी भी आ रहे हैं, सासू जी भी। हम गए थे पहले ताई जी लोगों के वहाँ, ताई जी लोगों के वहाँ चाय पानी पी के आ चुके हैं। अब हम जाने लग गए हैं तीनों घास काटने के लिए। जी लाल आलन आलियन आव हमारा कुकू भी आ गया है हमारे साथ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ताऊजी ने इतना अच्छा रास्ता बना दिया है। पहले बहुत ही गंदा हो रखा था, उन्होंने देखिए इतना अच्छा बना दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमको काटना है घास। चलिए फिर अब काटते हैं घास। तो दोस्तों हो चुका है हमारा घास, अब हम जाने लग गए घर को। ये हमारी ताई जी ने लकड़ी पे थमा रखी है। ये बहू रानी बेज। सो गाइज फाइनली हम घास काटने से पहुंच चुके हैं घर।
तो गाइज अब करते हैं रात के खाना बनाने की तैयारी, सब्जी वगैरह काटते हैं। चलिए फिर काटते हैं, आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी। सो गाइज फाइनली हमारा हो चुका है डिनर, जस्ट मैं डिनर करके अपने कमरे में आई हूँ, तो अभी कहाँ सोऊंगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को करूँगी एडिट, फिर इसको करूँगी कल 6 बजे पोस्ट। हमेशा दोस्तों मैं बहुत पहले से 6 बजे करती हूँ शाम के 6 बजे ब्लॉग को पोस्ट, तो फिलहाल मैं 6 बजे ही करती हूँ शाम के टाइम में ब्लॉग को पोस्ट। कभी नहीं कर पाती तो सुबह कर देती हूँ 10-11 बजे 8 बजे। तो गाइज मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिलखवाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।